गोपाल तमन्ना नर्सरी के संचालक एवं मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के प्रदेश प्रवक्ता मनोहर मीना का जन्मदिन तमन्ना नर्सरी में बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के एवं कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता तमन्ना नर्सरी पहुंचे और ने बधाई शुभकामनाएं दी। मुख्य रूप से मीना समाज सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश मीना, प्रदेश महामंत्री संतोष मीना, अशोक सम्राट मलखान सिंह पाल, राजेंद्र मीना, भानु प्रताप ठाकुर, सोनू मीना, मिथुन मीना, कपिल मीना आदि कई वरिष्ठ लोग उनके जन्मदिन पर पहुंचे। आज आपका जन्मदिन है, बड़ी धूमधाम से मनाया। हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, महामंत्री की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस के हो, सभी आपको जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। कैसे विशेषता है? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनका इसने आशीर्वाद, प्यार, दुलार मुझ पर हमेशा बना रहता है और भगवान हमेशा बनाए रखे। ये तमन्ना नर्सरी की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद और आभार। सर, आज मनोहर मीना जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है तमन्ना नर्सरी पे। तमाम प्रदेश के पदाधिकारी, चाहे राजनीतिक हैं या समाज के लोग हैं, सब आ रहे हैं। आपका उनका आशीष हमेशा मिलता रहता है। आज जन्मदिन पे क्या संदेश देंगे? मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के प्रदेश प्रवक्ता भाई मनोहर मीना जी का आज जन्मदिन है और उनका जन्मदिन आज ऐसी हरियाली तमन्ना नर्सरी, जो उनकी बहुत ही फेमस, ये एक उनका कार्य करते हैं, वो हरे भरे पौधे हर जगह लगवाने का उनकी रुचि के अनुसार काम है, वहीं पर ये जन्म उत्सव भाई मनोहर मीना का मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं और मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। सर, मीना समाज सेवा संगठन के प्रदेश प्रवक्ता एवं यूथ सफल बिजनेसमैन मनोहर मीना का जन्मदिन है, आपका आशीष उन्हें हमेशा मिलता रहा और आगे भी मिलता रहेगा। सर, किस प्रकार संदेश देंगे? मनोहर जी हमारे संगठन के ही नहीं, सर्व समाज के लिए बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और वो जिस संगठन में भी काम कर रहे हैं, समाज के अलावा भी, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि उन्हें लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहें और अपने व्यापारिक जीवन में भी उनने जो यहाँ इतने कम समय में जो उन्नति की है, उसके लिए मैं साथ ही उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सर, आज मनोहर मीना जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से तमन्ना नर्सरी में मनाया, किस प्रकार उनको बधाई और शुभकामनाएं दी? मैं आज मनोहर मीना को हृदय से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने मनोहर मीना को बहुत समय से साथ में है और मेरा छोटे भाई की तरह है मनोहर मीना। एक छोटे से गांव से
भोपाल जब मनोहर मीणा आया और यहाँ उसने काम शुरू किया, बहुत कम समय में उसने तमन्ना नर्सरी को बुलंदियों पे पहुँचा दिया। और भोपाल ही नहीं, प्रदेश में तमन्ना नर्सरी का नाम है। और मैं भी ये कामना करता हूँ कि मेरा ये छोटा भाई और आगे बढ़े राजनीतिक स्तर पे, व्यावसायिक स्तर पे, ये बहुत आगे जाए, ये मैं हृदय से इसको बधाई देता हूँ। और फिर एक बार पुनः जन्मदिन की शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। सर, परिचय दे दीजिए आपका। सर नाम मलखान सिंह पाल, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष सुशांतपुर का। सर, आज मनोहर मीणा का जन्मोत्सव मनाया गया, आप भी बधाई देने पहुँचे हैं। मैं मोहन सिंह जाट, भोपाल जिला पंचायत उपाध्यक्ष हूँ। हमारे प्रिय मित्र मनोहर मीणा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, इस बार इनको अंग और तरक्की दे। सर, आपने जो बोला कि ईश्वर इनको तरक्की दे, ऐसा लगता है कि ईश्वर आपकी सारी बातें सुनता है, क्योंकि आप ईश्वर के बड़े अधीन है। चप्पल नहीं पहनी आपने पूरे चुनाव में, अभी भी चप्पल नहीं पहनी है, तो ईश्वर से आपसे सीधा रिश्ता है। ईश्वर सुनता है, सुन रहा है मेरी, माता रानी की और भोलेनाथ की कृपा है, और सभी लोगों की दुआ भी साथ में, दुआ भी बहुत काम करती है।